खैर दोबारा से जुड़ेंगे। ओके 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 ओके। चलिए तो मित्रों एक बार फिर सभी को नमस्कार। आइए आज की इस संडे की क्लास में हम लोग फिर से जुड़ने जा रहे हैं, और आगे बढ़ने के पहले हम आपको बता दें कि कल जो लोग प्रेजेंट रहे हैं वो लोग जानते होंगे कि हमने कहाँ तक क्वेश्चन कर लिए थे। एक बार हम उन क्वेश्चंस तक पहुँच जाते हैं कल हमने जहाँ तक क्वेश्चन कर लिए थे। यस, कल हमने क्वेश्चंस किए थे। ये तो सर सर इसको प्लीज़ बंद कर लीजिए आप। हाँ, कल मैंने आपको ये अंत में पढ़ाया था लाप्लास वाला क्वेश्चन, T/6 करा दिया था। और यस, लाप्लास वाला क्वेश्चन कल मैंने आपको थोड़ा सा लाप्लास की प्रॉपर्टीज़ बताई थी, बहुत बेहतरीन बेहतरीन प्रॉपर्टीज़ बताई थी, ठीक है ना। और आज हम कुछ इसके बाद मैंने ये क्वेश्चन नंबर 119 भी कराया। 119 के बाद मैं क्वेश्चन नंबर 120 ये वाला क्वेश्चन भी आपको मैंने आज बताऊंगा। कल शायद ये नहीं बताया था मैंने, P+Q+R=0। हाँ शायद बता दिया था, हाँ यस याद आ गया, ये मैंने कल ही बताया था आप लोगों को, σ(fx=0। इसमें मैंने मोमेंट थ्योरम आपको बताई थी। मोमेंट थ्योरम क्या होती है, अब आप लोग पीछे वीडियो को चालू करके पढ़ लीजिएगा। फिर इसके बाद θ=30° भी करा हमने, टाइम पीरियड भी निकाला। फिर ये क्वेश्चन हो गया, ऊंचाई से छोड़ा जाता है तो पहुँचने में लिए गए समय का अनुपात क्या होगा, 5 मीटर और 20 मीटर। हाँ जी, तो यहाँ तक हो गया था, आज हमें यहाँ से करना है क्वेश्चन नंबर 128 से। क्यों सर? ठीक है सर, आप जुड़े थे कल, जो सर जुड़े थे आई थिंक, कौन जुड़ा था कल भाई, नीरज सर कल आप जुड़े थे ना? जी सर। हाँ तो यहाँ तक हो गया था क्वेश्चन नंबर 127 तक, है ना? जी, स्क्रीन मुझे नहीं दिख रही, कुछ दिक्कत हो रही क्या, प्रॉब्लम है सर? स्क्रीन बिल्कुल दिख रही है, एक बार आप लेफ्ट होकर के जुड़ जाइए। मैडम पाल मैम, आपको स्क्रीन दिख रही है? हेलो मैम, स्क्रीन आपको दिख रही है? हिना मैम स्क्रीन दिख रही है? हाँ जी सर, आ रही है स्क्रीन। ओके ठीक है। यस जी, थैंक यू रुचि मैम। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं आज की, और आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे कुछ क्वेश्चन से जो हमें सर ने भेजे हैं, ठीक ना। सर अभी जो जुड़े थे उन्होंने कुछ क्वेश्चन पिछले पेपर के हमें भेजे हैं। चलिए तो सर अभी खुद जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तब तक क्वेश्चन नंबर 128, दो कण ए और बी क्रमशः 5 मीटर और 20 मीटर की ऊंचाई से छोड़ा गया है, तब ए तथा बी द्वारा जमीन पर पहुंचने में लिए गए समय का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर आपके पास दो कण हैं, ओके, और दोनों कणों के नाम ए और बी दिए गए हैं, और 5 मीटर और 20 मीटर की ऊंचाई से इनको छोड़ा गया है। आपको बताना है कि ज़मीन में पहुँचने में लिए गए समय का अनुपात कितना होगा। बताइए जल्दी से, फटाफट कीजिए इसको, ज़मीन में लिए गए समय में पहुँचने में लिया गया अनुपात। तो क्या है भाई साहब इसमें, एच हाइट से अगर आप किसी कण को फेंक दो ज़मीन में, एच हाइट से आप यदि कोई कण है उसको आपने एच हाइट से फेंक दिया है और उसको छोड़ा गया है, मतलब U=0। प्लीज़ साउंड ऑफ रखिएगा, मज़ा नहीं आता पढ़ाने में, साउंड ऑफ रखिएगा। जहाँ आपको बोलना है आप मोस्ट वेलकम, आप ज़रूर पूछिए, परंतु जहाँ पर हम बता रहे हैं वहाँ पे साउंड ऑफ कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 128 रख रहा है, कॉपी में डाल लीजिए क्वेश्चन नंबर 128। तो देखिए, अगर आप U से छोड़ रहे हैं तो चली गई हाइट H इक्वल टू होता है क्या, UT। अब UT है, डाउनवर्ड है, तो प्लस हाफ GT² लगेगा, ओके। U 0 है तो H इक्वल टू हाफ GT², फाइनली फॉर्मूला ये बन गया, ओके। सो T² इक्वल टू 2H/G, ये हो गया समय का फॉर्मूला। तो हमसे क्या कह रहा है कि 5 मीटर और 20 मीटर की ऊंचाई से छोड़ा जाता समय का अनुपात निकालना है। तो भैया T₁² इक्वल टू 2 × पहली ऊंचाई है 5/G, और T₂² इक्वल टू 2 × दूसरी ऊंचाई कितनी है भाई साहब, 20/G। लड्डू क्वेश्चन, डिवाइड कर दो दोनों को, T₁² 2 से 2 कैंसिल, ओके, 5 × 20, तो T₁/T₂² इक्वल टू कितना आ गया, 1/4, तो T₁/T₂= 1/2। तो इसका आंसर कितना आएगा, 1:2। इसका आंसर है, चेक करो भाई, इसका आंसर है C, 1:2।
बिल्कुल सही है, अनुपात आ गया 1:2। बोलो कोई दिक्कत? बोलो सर। बिल्कुल। अब इसमें देखिए समय का अनुपात हमें निकालना है। क्वेश्चन आप लोग प्लीज एक बार पढ़ लिया करिए, जब मैं क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ तो आप लोग बोल दिया करो यदि ना पढ़ पाओ क्वेश्चन। तो स्क्रीनशॉट फटाक से लो और क्वेश्चन बिल्कुल जल्दी से पढ़ो, एक बार क्वेश्चन पढ़ लो। सही है, समय का अनुपात निकालना है। रीना मैम बताइए बताइए। जी जी सर। हाँ जी। अब इसके बाद एच इक्वल टू यूटी प्लस एच इक्वल टू यूटी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। यू की वैल्यू जीरो पुट कर दोगे, वैल्यू इक्वल टू कर दोगे तो एच इक्वल टू माइनस पॉइंट स्क्वायर इक्वल टू 2h अपॉन g हो गया, 2h अपॉन g हो गया, स्क्वायर का टी स्क्वायर का रेशियो कर दिया। ठीक है, ठीक है, आगे सर। ओके चलिए, अब हम क्वेश्चन लेते हैं। मैम आपकी आवाज लेते हैं, मैम आवाज रिफ्लेक्ट होने लगी, नोट कर लीजिए। यस, तो देखिए अब हम क्वेश्चंस ले रहे हैं आगे, जो सर ने भेजे थे क्वेश्चंस डायरेक्टली एग्जाम के, हमारे जो सर साथ में जुड़े हुए हैं उनके क्वेश्चंस सीधे एग्जाम के उठाते हैं। यस, ये देखिए सर, ये आपके भेजे हुए क्वेश्चंस हैं। जैसे ये पहला क्वेश्चन है, चलिए इसी पहले क्वेश्चन को उठाते हैं। यहाँ से मैंने कॉपी इमेज किया और ये मैं गया फाइल पे और सीधे यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। चलिए ये आ गया अपना सवाल सर जी का। सर जी ने जो सवाल भेजा है वो ये है, इसको जल्दी से क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक कण पर दो बल लग रहे हैं, इतने और इतने, दो बल हैं ये, 4i के + g के - 3k के + j के + k के ये लग रहे हैं। इसके कारण कर यहाँ से यहाँ तक विस्थापित हो रहा है, बलों द्वारा किया गया कुल कार्य होगा। देखो भैया, यहाँ पर दो बल लग रहे हैं और बलों द्वारा किया गया कुल कार्य क्या होगा, एकदम कहना चाहिए बेसिक लेवल का क्वेश्चन, एकदम पोपट टाइप का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले फॉर्मूला क्या लगेगा, W इज इक्वल टू होता है F डॉट S, डॉट प्रोडक्ट होता है, बलों का डॉट प्रोडक्ट हुआ करता है। तो सबसे पहले कुल बल निकाल लो भाई साहब। तो कुल बल कंपोनेंट फॉर्म में, पहला बल 4i कैप + j कैप - 3k कैप और दूसरा बल क्या है भाई साहब, दूसरा बल है 3i कैप + j कैप - k कैप। दोनों को ऐड कर दो, टोटल नेट बल कितना आ गया, 4 और 3 7 का i कैप j और j 2 का j कैप और - 3 - 1 - 4 j कैप। सही है, कोई गलती मत करना, बस उसी में गलती हो गई तो गया क्वेश्चन, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद कह रहा है विस्थापन हो रहा है। भैया विस्थापन कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक विस्थापन हो रहा है, मतलब ये है x2 और ये है x1। तो सब लोग जानते हो विस्थापन सदिश जिसको s बोलते हैं, दैट इज इक्वल टू h2 - s1 सदिश, फाइनल माइनस इनिशियल वेक्टर, जिसको आप लोग ab का स्थित सदिश ऐसे तो पढ़ा होगा ना, OB - OA इस टाइप से पढ़ा होगा। तो चलो भैया, पहले अपने पास दूसरा वाला क्या है, 5i कैप + 4j कैप + k कैप, माइनस कर दो। पहला वाला स्थिति क्या है, i कैप + 2j कैप + 3k कैप। देखो जी, माइनस करोगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, चलो माइनस करो तो अपने पास डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा यहाँ पे, तो डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन सदिश, 5 में से 1 गए 4i कैप, 4 में से 2 गए 2j कैप प्लस का, और k में से 3 गए तो माइनस का 2k कैप आएगा। अब लगा दो वर्क डन इक्वल टू होता है f.s। तो F और S का फॉर्मूला आपने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा होगा, i कैप का i कैप से गुणा j कैप का j कैप का k कैप से k कैप का, 7 × 4 = 28, 2 × 2 + 4 और 4 × 2 + 8। कोई गलती तो नहीं करी ना प्लस और माइनस में, वही गलती हुई तो गया क्वेश्चन, नहीं तो ठीक है। 28 और 8 = 8 = 16, 36 और 36 = 4 = 40, आंसर 40 जूल। तो आंसर देखो भैया 40 इकाई, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इन लोगों ने कुछ दिया नहीं तो इकाई ही चलेगा। बोलिए आ गया समझ में? सर बोलिए माइक ऑन करके, आ गया समझ में? जी सर। ओके सर, मुझे ना इसमें एक चीज समझ में आती है, वो आप थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए ऐसे क्वेश्चंस में। हाँ। सर मुझे ये बता दीजिए कि कब मुझे डॉट प्रोडक्ट लगाना है कि कब क्रॉस प्रोडक्ट लगाना है। अच्छा। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं हम। चलिए मैडम जी, आपको लगाना है कब डॉट प्रोडक्ट और कब लगाना है क्रॉस प्रोडक्ट। माइक म्यूट कर लीजिए मैम।
देखिए, अगर आपको कार्य निकालना है, जो राशियां अदिश हैं, तो अदिश राशियों को निकालने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा डॉट प्रोडक्ट। अदिश राशि के लिए आपको यूज करना पड़ेगा डॉट प्रोडक्ट। अब अदिश राशि कौन कौन सी हैं फिजिक्स में और मैथ्स में, जो मैथ्स में अपने काम में आने वाली है, यहाँ पर एक है कार्य। तो कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, एक तो कार्य है, और दूसरा है शक्ति, शक्ति बराबर होता है बल गुणे वेग। बस यही दो फॉर्मूले आपके लिए आएंगे अगर आएंगे डॉट प्रोडक्ट के। अब यदि बात करते हो सर कि वेक्टर प्रोडक्ट कब यूज़ करना है, तो वेक्टर प्रोडक्ट कब यूज़ करना होता है, जब ए और बी दो सदिश का गुणन स्वयं एक सदिश राशि होता है, तो आप यूज़ करते हैं सदिश वाला रूल। तो अपने सिलेबस में जो सदिश प्रोडक्ट निकलने वाले हैं वो कहाँ पे हैं, टॉर्क, टॉर्क यानी बलाघूर्ण। टॉर्क को हिंदी में बोलते हैं बल आघूर्ण, और ये होता है आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ, याद कर लीजिएगा, एफ क्रॉस आर नहीं होता है जी सर जी, ये होता है आर क्रॉस एफ, ठीक है, ठीक है सर, हाँ इसको नोट कर लीजिए, आर क्रॉस एफ। तो जब इसका प्रश्न आएगा, इसका 2021 में भी आया, मैं आपको इसका भी प्रश्न भी करके बताऊंगा बढ़िया सा कैसे निकलता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल, चलें सर अगले सवाल की तरफ। जी जी जी, क्लियर है ना, स्क्रीनशॉट तो बिल्कुल चटकाते रहिए मोबाइल की स्क्रीन पे, तीनों उंगलियां आपकी लपालप होती रहे, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट लेते रहिए। हालांकि आपको इसका नोट्स मैं अभी इस क्लास के बाद दे दूंगा। चलिए 45 क्वेश्चन नंबर, अगला आपने क्वेश्चन पूछा है सर जी एग्जाम में आया हुआ, ये वाला आजा भाई, ये तो तीसरे पे चला गया, दूसरे पे, हाँ जी सर, एक तो ये था क्वेश्चन आपका, और अगला क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन है कि किसी कण पर लगे बलों के क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर वियोजित भाग P और Q हैं, वाह भाई, तो बलों का परिणामी क्या होगा। चलिए जी इसको भी बता देते हैं, कॉपी इमेज करके चले गए हम सीधे यहाँ, ओके, ये देखिए सवाल है, कह रहा है कि किसी कण पर लगे हुए बलों के क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर वियोजित भाग। तो मान लिया ये कोई कण है, अब इस पर लगने वाला जो कुल बल है वो है F, ओके, अब इस F के दो घटक कर दो, आप सब लोग जानते हैं कि F के दो घटक एक थीटा की दिशा में टूटता है, जिसको बोलते हैं F cos थीटा। तो यहाँ पर F cos थीटा कितना दिया गया है भैया, P, और F sin थीटा दिया गया है आपको कितना यहाँ पर, Q, और आपसे पूछ रहा है कि कुल बल कितना होगा F, तो दोनों का वर्ग करके जोड़ दीजिए, तो एफ स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एफ स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। एफ स्क्वायर कॉमन लीजिए, यहाँ आइडेंटिटी कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, और ये बन गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, सो एफ इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये आ गया आपका बल। ये देखिए इसका आंसर बी है भैया, ये गलत लगा है, बलों का परिणामी वो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर है, ये गलत लगा है सर, इसका आंसर ए नहीं है, इसका आंसर बी है, ठीक है सर। जी सर, जी सर, जी सर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो आपने भेजा है, ये क्वेश्चन नंबर 89 पूछा था आपने, तो ये भी हमने बता दिया। अब क्वेश्चन नंबर जो अभी सर बताया, कोई भी क्वेश्चन वही स्क्रीन पे साइड में रखा गया, जैसे अभी रखे, बड़ा अच्छा लगा। हाँ ऐसा, तो कि स्क्रीन स्क्रीन शॉट नहीं लेना पड़ेगा, जैसे साइड में बना रहेगा तो क्वेश्चन भी दिखता रहेगा, सोल्यूशन भी होता रहेगा। चलिए सर, ठीक है सर, बढ़िया बात बताइए आपने। अगला क्वेश्चन है सर आपका, एक कौन सा क्वेश्चन ऊपर, ये वाला है, हाँ चलिए सर ये वाला क्वेश्चन है, इसको करते हैं कॉपी करने पहले, तो पहले इसको क्रॉप कर दें, ये देखिए सर, अब रेडी किए नहीं थे, अभी सब करना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, चलिए सर, तो ये सवाल है, टाइम से क्रॉप करके भेजना क्वेश्चन, ये सवाल है सर, ठीक है ना। हां मैम, क्या करें, क्वेश्चन नंबर 87 अब दिख रहा है सर, दो बल P और Q एक कण पर लगे हैं, बलों के बीच का कोण थीटा और बलों का परिणामी R है, यदि R का वियोजित भाग 2P है
आर का पी की तरफ वियोजित भाग 2p है। देखिए भैया, तो ये बल है, ये बल है आर, और दो बल पी और क्यू ये लगे हैं, ये पी लगा है और ये क्यू लगा है, ऐसा ये क्यू लगा है, दो बल पी और क्यू एक कण पर लगे हैं, बलों के बीच का कोण थीटा है, तो ये बलों के बीच का कोण कितना है सर, थीटा है, ठीक है ना। कह रहा है कि बलों का परिणामी आर है और आर का वियोजित भाग पी की दिशा में 2p है, तो आर का वियोजित भाग जो है पी की दिशा में 2p है। रुकिए सर, इसको कैसे करते हैं, हम देखिए सर, सबसे पहले ये हमारे पास एक बल पी है और एक बल क्यू ये जा रहा है, दोनों के बीच का कोण थीटा है, एक समानांतर चतुर्भुज बनाइए, ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ आप लोग को लाइव क्लास में, ये हो गया। तो ये सदिश अगर Q है तो ये वाला सदिश भी क्या होगा, Q होगा, ये सदिश अगर Q है तो ये सदिश भी Q होगा, ये P है तो ये भी क्या होगा, P, और ये निकलता है सदिश R, ये है R। अब यदि देखिए, यदि मैं इस Q को, ये एंगल थीटा है, तो यदि मैं इसको थोड़ा सा यहाँ तक बढ़ाऊँ तो ये एंगल भी क्या निकलेगा, थीटा, बोलिए हाँ या ना, संगत कोण है कि नहीं, हाँ। अब Q का यदि मैं कंपोनेंट तोड़ूं तो Q का सदिश P की दिशा में जो कंपोनेंट टूटेगा वो कितना होगा जी, Q cos थीटा होगा कि नहीं होगा, बताइए। हाँ हो, सदिश Q का जो कंपोनेंट टूटेगा, इसका नीचे की तरफ जो घटक टूटेगा वो होगा Q cos थीटा। पाल मैडम, रीना मैडम, होगा कि नहीं होगा, बेस अपॉन हाइपोटेंस हो जाएगा, हाँ वही बेस अपॉन हाइपोटेंस लेके Q cos थीटा, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर जी। चलिए अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से, क्वेश्चन कह रहा है कि R का वियोजित घटक P की दिशा में, तो R का P की दिशा में घटक निकाल लो पहले, तो भैया R का P की दिशा में घटक क्या है, R का P की दिशा में घटक निकल रहा है Rx, जो इसको बोल दो बराबर कितना, P प्लस क्यू कॉस थीटा, निकल रहा है ना सर जी, हाँ ये है P प्लस क्यू कॉस थीटा, और P प्लस क्यू कॉस थीटा किसके कुल दिया है, 2p के दिया है, कि P प्लस क्यू कॉस थीटा बराबर देख लो भैया किसके कुल दिया है, घटा दशक 2p के बराबर है, मतलब ये किसके इक्वल है, 2p के बराबर है, तो यहाँ से क्यू कॉस थीटा इक्वल टू 2p माइनस कितना, पी, तो आंसर हो गया 2p में से पी गया, पी बराबर क्यू कॉस थीटा, तो आंसर आएगा पी बराबर क्यू कॉस थीटा, ये आंसर गलत लगाया है तुक्का जिसने लगाया भाई साहब ने, तो आंसर हुआ पी बराबर क्यू कॉस थीटा, सही है सर जी, जी जी, नोट करिए, हो गया डन, एनी प्रॉब्लम, नो, चलिए। तो भैया सर एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, बिल्कुल हिना मैम स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये लीजिए स्क्रीनशॉट इसका, ले लिया, थैंक यू। चलिए अब इसके बाद के सवाल देखते हैं, इसके बाद कौन सा सवाल करेंगे वो देखते हैं। तो भैया हाँ, एक तो ये हो गया, ये वाला दूसरा वाला आपसे बन गया है, तीसरा वाला भी आपसे बन गया है, इसमें आपने गोला नहीं लगाया है सर, कौन सा बताना है इन चारों में, चारों बन गए ना जी, जी जी, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, इसके बाद, इसके बाद फिर ये वाला क्वेश्चन है, इन दोनों में कोई कोई डाउट सर, इसमें ये 45 बता दीजिए, नहीं कि 45 हो जाएगा, हाँ 45 के बाद 46 बता दोगे ना सर, हाँ 46 बता दीजिए, चलिए तो 46 देख लेते हैं अपन, 46 क्वेश्चन कैसे होगा, ये 46 क्वेश्चन है, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 46 क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक गेंद 49 मीटर प्रति सेकंड के वेग से क्षैतिज से थीटा कोण बनाते हुए प्रक्षेपित की जाती है, मतलब सट्टा जुई, यू वेग है, तो यू बराबर कितना है 49 मीटर पर सेकंड है, ये नीचे गिर गया, कोण कितना है 30 डिग्री, क्षैतिज समतल पर परास कितना होगा, भैया बहुत ही सिंपल फार्मूला है, आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी,
यू का स्क्वायर 49 का स्क्वायर 49 गुणे 49, बोलिए हाँ। साइन 2 थीटा यानी साइन 60 डिग्री, और जी का मान होता है 9.8। डेसिमल ब्रेक कर दो तो ऊपर क्या बनेगा सर, 10 आया ना जी। 49 दूनी 98 और 2 पंचे 10, ये हो गया। अब क्या क्या बच गया भाई साहब, ऊपर बच गया 49, साइन 60 की वैल्यू होती है रूट 3 अपॉन में 2, और साथ में क्या आ गया भाई साहब 5। तो 5 का 49 से मल्टीप्लाई करो, 45 की 5 हासिल आई 245, और 5 चौके 20 और 4 24, 245 अंडर रूट 3 बटे 2 मीटर, बिल्कुल सही जवाब है 245 रूट 3 बटे 2 मीटर। डन सर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बेहद सिंपल एकदम लल्लू सवाल है एकदम ये तो, ठीक है सर। एक सीरीज वाला क्वेश्चन था, n प्लस r करके सर, हाँ 4n तक का, हाँ वो लॉग 5 का स्पेशल सीरीज का क्वेश्चन है सर वो, है ना जी जी, उसका थोड़ा सा वो हिंट दे दीजिए, r अपॉन n करके कुछ लेते हैं ना उसमें, हाँ r अपॉन n को x ले लेते हैं, हाँ तो उसको थोड़ा सा बता दीजिए, क्योंकि उसमें 4n तक दिया था तो लॉग 5 ही होगा उसका, कुछ दूसरा होगा। चलिए देख लेते हैं सर, वैसे बहुत दिनों से सीरीज करी नहीं है, फिर भी आपके कहने पर प्रयास कर लेते हैं ना सर। जी सर, जी सर, चलिए देखिए, ले सिग्मा n टेंस टू इन्फिनिटी, r की वैल्यू 1 से 4n, n प्लस r। चलिए क्वेश्चन लिख देते हैं, क्वेश्चन है सिग्मा है ना, n की वैल्यू, इसका सर दो क्वेश्चन जरूर आता है टीजीटी में, पीजीटी में बिल्कुल आता है सर, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी सिग्मा r इक्वल टू 1 से लेके कहाँ तक भैया, n से लेके, r की वैल्यू 1 से लेके 4n है, r की वैल्यू 1 से लेके 4n है, और कितना है फंक्शन 1 अपॉन n प्लस r। भैया बिना सीरीज वाले क्वेश्चन के पेपर बन नहीं सकता है इन्फिनाइट सीरीज के, तो ये इन्फिनाइट सीरीज है। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें आपको n कॉमन लेना पड़ता है, और कुछ कन्वेंशंस हैं तो आप याद कर लें। नंबर वन, r बाई n को x मानते हैं, और 1 बाई n को dx मानते हैं, ठीक है। तो लीजिए सॉल्व करते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है ना, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी सिग्मा r इक्वल टू 1 से लेके 4n, 1 अपॉन, मैंने यहाँ से n कॉमन ले लिया, बताइए कितना बचा, 1 प्लस r बाई n बच गया सर। सर स्क्रीन शो ही नहीं कर रही है, स्क्रीन आप एक बार, हाँ स्क्रीन थोड़ा डाउन चल रही है सर, मतलब आप स्क्रॉल कर रहे हो, क्या कर रहे हो, समझ ही नहीं आ रहा। नहीं मैंने काफी पहले फिक्स स्क्रीन हो गई सर, आपकी आवाज में इको आ रहा है, आप बंद कर दीजिए। मैडम एक बार फिर से आप लेफ्ट होके ज्वाइन कीजिए, स्क्रीन सही हो जाएगी। सर आपको ठीक दिख रही है, रुचि मैडम, रुचि शर्मा मैडम, सौरभ श्रीवास्तव मैडम, आप लोग बताइए स्क्रीन सही दिख रही है आप लोग को। हाँ सर दिख रही है सही, जी जी अब दिख रही है। हाँ कभी भी ऐसा हुआ करे तो आप लोग फिर से एक बार, हाँ सर दिख रही है, नेटवर्क प्रॉब्लम होगी। ओके सर, तो देखिए मैंने बताया 1 प्लस r बाई n ले लीजिए, अब इसके बाद क्या करना है आपको, देखिए मैंने बताया r बाई n को x ले लीजिए, और 1 अपॉन n को क्या ले लीजिए, dx ले लीजिए। तो यहाँ पे बन जाएगा आपके पास में लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, 1 अपॉन n को आपने ले लिया dx, ओके 1 अपॉन n को ले लिया dx, और ये बन जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस x, और जो समेशन बदल जाता है वो किस में बदल जाता है, इंटीग्रेशन में, जो सिग्मा होता है वो बदल जाता है इंटीग्रेशन में। अब आप ध्यान से सुनिएगा, देखिए आपके पास जो x है वो क्या है, r बाई n, x आपके पास r बाई n है, और n की वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी है। तो r की फर्स्ट वैल्यू क्या आपके पास में, r की पहली वैल्यू 1 है, तो लोअर लिमिट क्या बनेगी, 1 अपॉन इन्फिनिटी। तो लोअर लिमिट जो बनेगी, r की जो पहली वैल्यू निकलेगी, r की वैल्यू 1 और n की जगह इन्फिनिटी, समझ में आया, माइक ऑफ कर, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी, सर प्लीज़ माइक ऑफ कीजिए सर, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी मतलब कितना हो गया, 0। तो पहली लिमिट कितनी बन गई r की, 0, बोलिए बनी कि नहीं बनी, क्योंकि क्वेश्चन जो है अब आपका x में जा चुका है,
तो वन अपॉन इन्फिनिटी मीन्स जीरो, ठीक है। अब दूसरी लिमिट देखिए एक्स की, एक्स की दूसरी लिमिट के लिए आर की वैल्यू कितनी है, 4n, तो आर की वैल्यू 4n और नीचे n, n से n कैंसिल हो गया, हमको इन्फिनिटी रखने का मतलब मौका ही नहीं पड़ा, तो लिमिट कितनी चली गई 0 से लेके 4। चलिए अब देखिए 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का दुनिया जानती इंटीग्रेशन कितना होता है, लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स, और लिमिट 0 से लेके 4, तो चलिए सॉल्व कर दीजिए। तो लॉग सबसे पहले x की जगह 4 डालिए तो लॉग 5, फिर x की जगह 0 डालेंगे तो लॉग 1, सो लॉग 1 कितना होता है 0, तो लॉग 5 माइनस 0 बोले तो आंसर कितना आएगा, लॉग 5। अब माइक ऑन करके बोलिए सर, समझ में आया कि नहीं आया, रिपीट कर दीजिए। कुछ नहीं आया, वो डॉगी भौंक रहा था इस वजह से कुछ समझ नहीं आया, उसकी आवाज़ ज़्यादा आ रही थी। चलिए एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, लिमिट का कोई भी क्वेश्चन होगा, जैसे अभी इसके पहले आपको जो क्वेश्चन दिया गया था यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया गया था आपको, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी समेशन r की वैल्यू 1 से लेकर के कहाँ तक, 4n तक, और 1 अपॉन n प्लस r, ये क्वेश्चन दिया गया था। इसके लिए बिल्कुल कुछ फंडामेंटल रूल्स होते हैं, इनफाइनाइट लिमिट के लिए कुछ फंडामेंटल रूल हुआ करते हैं, वो रूल ये हैं, ठीक है। एक बार उन रूल को मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ, ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको कुछ रूल याद करने हैं, और वो रूल ये हैं कि आपको 1 अपॉन n किस में कन्वर्ट हो जाएगा, dx में, आपका जो 1 अपॉन n है वो dx में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका जो r/n है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, x में कन्वर्ट हो जाएगा, और आपका जो समेशन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटीग्रेशन में। बोलो क्लियर हुआ मैडम? जी सर। चलिए अब देखिए सॉल्व करते हैं इसको, क्वेश्चन को कैसे किया मैंने वो देखो। तो सबसे पहले क्या किया आपने, n कॉमन ले लिया, तो n कॉमन ले लिया तो 1 प्लस r/n, r/n किस में कन्वर्ट होता है, x में, और लिमिट देखिए 1 अपॉन n किस में हो गया, dx में, और ये सिग्मा किस में बदल गया, इंटीग्रेशन में। अब r की वैल्यू 1 है और r/n क्या है, x है, तो जिस समय r की वैल्यू 1 रखोगे तो r की वैल्यू 1 रखने पर देखिए यहाँ पर लिमिट कितना बनेगा, 1 अपॉन इन्फाइनाइट बनेगा, सो 1 अपॉन इन्फाइनाइट मीन्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0। तो पहली इसकी लोअर लिमिट कितनी सेट होगी, 0 सेट होगी, होगी कि नहीं होगी बताइए बच्चों। सो इसकी पहली लिमिट जो हो जाएगी 0 सेट हो जाएगी। देन इसके बाद r/n, r की अगली वैल्यू कितनी जाएगी देखिए, 4n, तो 4n अपॉन में n, n से n कैंसिल हो गया, लिमिट कितनी बनी गई, 4। शुभम भैया मैं क्लास के बाद आता हूँ नीचे, तो 4n/n इक्वल टू कितना हो गया आपका, n से n कैंसिल हो गया और आपका जो है 4 बन गई लिमिट, तो 0 से लेके 4 लिमिट बन गई। बोलो क्लियर है? हाँ जी सर। हाँ, तो फिर log 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का आ गया log x, log 1 प्लस एक्स इंटीग्रेशन आ गया, और लिमिट रख दी आपने तो log 5 माइनस log 1, ठीक है जी सर, थैंक यू। ये वाले क्वेश्चन समझ नहीं आते थे मुझे। हाँ जी, तो 100% आपको लिमिट वाला क्वेश्चन जो आना ही आना है, बिल्कुल आना है, इसके बिना क्वेश्चन आपका बन नहीं सकता है, ये क्वेश्चन पक्का आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो सर ने पूछा है। सर बताइएगा, ये क्वेश्चन हो गया। हाँ, इन दोनों में सर दोनों बन गए आपसे। जी जी सर। हाँ सर, अब बताइए। सर ये बता दीजिए, बंदूक से गोली वाला जो है ये उसका है क्या प्रत्याशा गुणांक है? ओके, बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो बंदूक के यू वेग से सापेक्ष से चले तो इसके वेग क्या होंगे। सर ये कंसेप्ट मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं है तो इसको थोड़ा सा, ये प्रत्याशा गुणांक से है क्या जो 1 प्लस e, बस वही सर, तो थोड़ा सा इसको होल्ड कर दीजिए अभी, हैं? ठीक है सर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा होल्ड कर दीजिए, जब मैं आपको पढ़ा दूंगा तो मैं आपको इसको बता दूंगा, अभी प्रत्याशा गुणांक वाला क्वेश्चन मैंने कराया नहीं है, ठीक है ना? ठीक है। अब आगे चलते हैं सर, इसके बाद वाला सवाल देखते हैं आपने क्या पूछा है। ये देखिए,
एक, अरे भैया ये तो सर अपन अपन ज्ञाता हो गए इसके, ज्ञाता लामी का थ्योरम है ये तो, है ना सर? लामी का फिर लगाया सही है बिल्कुल इसका। सही सर, बिल्कुल सही है। ठीक है सर, अगला सवाल जो है, अगला सवाल सर, ठीक है अगला सवाल देखिए, ये इसमें भाई सवाल, अगला सवाल, एक कण जिसके वक्र के अनुदिश गति कर रहा है, जिसका प्राचलिक समीकरण x बराबर इतना है, y बराबर इतना है और z बराबर इतना है। देखो सर ये बहुत ही इजी समीकरण दिया गया है और आपको बोल रहा है कि इसका समीकरण क्या होगा, ठीक है ना? चलिए सर, तो इसको, इसका वेग क्या होगा, वेग का समीकरण बताना है। आइए सर अपन सॉल्व करते हैं, डायनेमिक्स का क्वेश्चन है ये, आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले इसमें एक नॉर्मल सी अप्रोच आपको पता होनी चाहिए कि वेग क्या होता है। ये सवाल अपन ने लिख दिया, सबको पता होना चाहिए वेग क्या होता है। वेग जो होता है वो होता है विस्थापन का प्रथम अवकलज। ये सब लोग जानते होंगे कि जो वेग होता है वी एक्स इक्वल टू होता है डी एक्स बाई डी टी। ये वेग का परिमाण देता है आपको। और अगर अगर मैं कुल वेग की बात करूं, अगर मान लो कोई किसी कण का वेग एक्स दिशा में वी एक्स है, वाई दिशा में वी वाई है और जेड दिशा में वी जेड है, तो उस कण का जो कुल वेग निकलेगा वो वी सदिश बराबर वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप निकलेगा। और वी एक्स आई कैप में क्या क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको वी एक्स आई कैप को मैं लिख सकता हूँ वेग बराबर डी बाई डी टी सदिश का एक्स कंपोनेंट, मतलब विस्थापन सदिश का एक्स कंपोनेंट एक्स इंटू आई कैप प्लस डी बाई डी टी विस्थापन सदिश का वाई कंपोनेंट इंटू जे कैप और डी बाई डी टी विस्थापन सदिश का जेड कंपोनेंट इंटू के कैप। बताओ सर लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? इसमें मेन फार्मूला होता है, बिल्कुल सर। तो डी बाई डी टी, देखिए सर एक्स आपको कितना दिया गया है, ई की पावर माइनस टी, ई की पावर माइनस टी आई कैप प्लस डी बाई डी टी। वाई कितना दिया गया है सर, टू कॉस टी और जे कैप प्लस डी बाई डी टी। जेड कितना दिया गया है, साइन टी के कैप। चलिए e की पावर माइनस टी का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, सबको पता होगा माइनस e की पावर माइनस टी आई कैप। कॉस टी का डिफरेंशिएशन टू तो बाहर आ जाएगा और कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, तो माइनस टू साइन टी जे कैप। और साइन का कितना होता है, प्लस कॉस होता है, तो प्लस कॉस टी के कैप। तो देखिए दो निगेटिव एक पॉजिटिव, ये बिल्कुल सही। तो आंसर क्या होगा इसका, ए, ए इज द करेक्ट ऑप्शन, नोट कर लो सर। ठीक है सर, हो गया सर जी। स्क्रीनशॉट ले लिया मैडम, समझ में आ गया आपको, नहीं आया? हाँ जी, हाँ जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहाँ है, अगले क्वेश्चन में सर क्या नहीं बना सर, पहला वाला तो बन गया, बहुत इजी है सर, है ना? कौन सा क्वेश्चन सर, पहला वाला? हाँ, सौ वाला, सौ वाला, जी 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 सौ, तो ठीक है ना? और समीकरण कॉस एक्स इंटू कॉस पाई बाई थ्री प्लस एक्स इंटू कॉस पाई बाई थ्री माइनस एक्स इक्वल टू वन बाई फोर, जीरो से लेके थ्री पाई के समस्त समस्त हलों का योग है। तो सर जो पहला क्वेश्चन है इसका एक फॉर्मूला हुआ करता है कॉस थीटा इंटू कॉस सिक्सटी माइनस थीटा और कॉस सिक्सटी प्लस थीटा का, याद है? हाँ, वन बाई फोर कॉस थ्री थीटा होता है क्या? बिल्कुल सही सर। तो इसका जो योग हुआ करता है वो होता है वन बाई फोर कॉस थ्री थीटा। चलिए सॉल्व करते हैं इस प्रश्न को। चलिए तो आपने यहाँ पे गणित का सवाल दिया, ठीक है, यदि इस सवाल को करते हैं पहले तो पूरा, यदि इसको ट्रिक आती है इसकी तो बहुत मज़े की बात है, अगर ट्रिक आती है तो आप इसको बड़े आराम से कर लेंगे, और अगर आपको ट्रिक नहीं आती है तो आपको बहुत मेहनत लगेगी, आपको टू साइन सी साइन डी वाला कंसेप्ट लगाना पड़ेगा, है ना, उसमें आपका बहुत सारा टाइम लग जाएगा। चलिए जी सॉल्व करते हैं। हाँ,
ट्रिक से ही कर दीजिए सर। बिल्कुल सर, ट्रिक से ही करते हैं इसको। तो देखिए सर, आपने अभी भी बताया जैसे कि कॉस ऑफ 60 माइनस थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा इंटू कॉस ऑफ 60 प्लस थीटा। बोलिए सर, इसका आंसर क्या होता है? 1/4 cos 3 थीटा होता है। 1/4 cos 3 थीटा, हाँ यही होता है ना सर? 1/4 होता है कि 4 होता है? नहीं, 1/4 होता सर। बिल्कुल सर, तो 1/4 cos 3 थीटा होता। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे अपने पास जो क्वेश्चन है, कॉस एक्स इंटू कॉस पाई बाई थ्री यही है, तो अपने पास 1/4 इसका जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट कितना बन जाएगा? ये स्टेटमेंट बन जाएगा 1/4 cos 3x इक्वल टू 1/4। ठीक है, 1/4 से 1/4 क्या हो गया, कैंसिल। कॉस 3x इक्वल टू कितना? 1। तो कॉस 3x इक्वल टू 1 हो गया है। ओके, अब देखिए अपन जानते हैं कि कॉस एक्स की वैल्यू 1 कहाँ पे होती है? कॉस एक्स की वैल्यू 1 होती है भाई साहब 2n पाई पे, क्योंकि कॉस ऑफ 2n पाई इक्वल टू 1 होता है। तो कॉस 3x इक्वल टू कॉस ऑफ 2n पाई, है सही है सर? सो अपने पास 3x इक्वल टू कितना हो गया? 2n पाई। सो x इक्वल टू हो गया 2n पाई बाई 3। यस, सो x हमारे पास आ गया 2n पाई बाई 3। तो कह रहा समस्त हलों का योग। तो भैया पहले हल निकाल लो, तो आइए पहला हल निकालते। तो n की वैल्यू 0 डाल दो, तो n इक्वल टू 0 डालने पर जो पहला हल निकलेगा कितना निकलेगा सर? 0 निकलेगा। हाँ, अगला हल n इक्वल टू 1 डाल दो, तो अगला हल n इक्वल टू 1 डालने पर दूसरी वैल्यू निकलेगी 2 1 जा 2, यानी 2π/3। चलिए अगला हल डाल दीजिए n इक्वल टू 2 पे 4π/3, ठीक है ना। अगला हल 3 पे कितनी निकलेगी सर? n इक्वल टू 3 पे, है ना, 2 3 जा 6। बिल्कुल सर, पाई आ गया। ठीक है सर, पाई आ गया इस तरीके से, है ना। तो सर 3 पे 2 पाई आएगा। बिल्कुल सर, 2 पाई आएगा। ठीक है सर, इस तरीके से देखिए कुल मिला करके हमें ये कब तक जाना है? जब तक हम 6π ना आ जाएं। तो 6π कब आएगा? जब n इक्वल टू 12 आएगा। हाँ या सर ना सर? n इक्वल टू 12 होने पर नहीं सर, 6π आने के लिए ऊपर 2 होना चाहिए। तो n की वैल्यू अगर 6π आने के लिए ऊपर 3 होना चाहिए, तो n की वैल्यू अगर 9 हो जाएगा, n की वैल्यू 9। देखिए सर, n इक्वल टू 3 है, n इक्वल टू 9 होने पर 2 × 9 × π/3 मतलब कितना सर? 3 2 जा 2, n की वैल्यू 9 होने पर 3 3 जा 9। बिल्कुल सही, 6π, और 6π तक ही हमें x चाहिए है, जो x हमारा है वो 6π तक होना चाहिए। मतलब कुल मिला करके, अब 0 को ऐड करने का तो असर पड़ेगा नहीं सर, पहला सलूशन है। मतलब हमें कहाँ से 2π/3, 4π/3 से लेकर के 6π तक ऐड करना है, जो कि AP बनेगी। तो सभी का योग x1 प्लस x2 प्लस जितने भी योग हैं, क्या आया सर? पहला सलूशन कितना आया? 2π/3। दूसरा कितना आया? 4π/3। 2π/3 प्लस 4π/3, है ना सर? और लास्ट में कितना आ गया भैया? 12π। आंसर कितना आ गया? 12π। अब हमको जोड़ना है इसको, तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ से पाई बाई थ्री कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे आएगा 2 प्लस 4। अगला जो कितना बचेगा? अगला बचेगा 6π/3, यानी वही 2π बन गया था, प्लस 6 डॉट 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 कितना? 12। चलिए π/3, ध्यान से देखिए सर, ये कितने टर्म है? 6 टर्म है, ये कितने टर्म है? 42 आएगा सर, 42 आएगा पक्का? पक्का। चलिए तो 42 को काट दीजिए, 14π। तो आंसर इसका होगा 14π। देखो सर ऑप्शन में है क्या? हाँ सर, गलत हो रहा कहीं पर, आपने 42 कहे हैं, 14π तो ऑप्शन में ही नहीं है। समस्त पदों का योग क्या होगा? एक मिनट देखने लीजिए सर कितना हो रहा है कहीं। देखिए 2 4 6 सम पदों का योग, तो 2 2 6 12 यानी कि टोटल 6 पद हैं। तो n/2 यानी 6/2 और a+l 2+12। हाँ सर, तो कितना हो गया अपने पास में? 3, और 2 और 12 14, 3 14 3 42। हाँ सर, 42 होता है,
तो पाई बाई एन एन थ्री 10 होता है इवन का। 14 3 42 हो गया सर, तो यहाँ पे पाई बाई थ्री मल्टीप्लाई बाई 42, तो 42 को काटिए सर 3 से, कितने बार गया, 14 बार। 14 हाँ सर, तो आंसर अपना 14 पाई आ रहा है, मतलब कहीं मिस्टेक हो रही है छोटी सी। 14 पाई तो ऑप्शन में है ही नहीं है, कह रहा है इनके समस्त पदों का योग कितना होगा। कहीं पर मिस्टेक हो गई सर, एक्स इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू 1, एक्स इक्वल टू यदि 0 रख दिया जाए सबसे पहले एक्स इक्वल टू 0 और लास्ट में है 6 पाई, 1/4 cos 3 थीटा, सब कुछ सही कराया है। ठीक है सर, इसको सूरज सर के पास रेफर करते हैं सर, वो मैथ्स के एक्सपर्ट हैं, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं सर, हो जाएगा, आइडिया मिल गया ना, एक बार हम लोग भी ट्राई कर लेंगे, कहीं क्वेश्चन मिस्टेक हो रहा हो, मे बी कहीं पर मिस्टेक हो रही होगी सर, इसलिए इसका आंसर नहीं आ रहा है ना सर। हाँ चलिए एक सेकेंड सर, ये थोड़ा सा पीडीएफ में पीपीटी में थोड़ी सी गड़बड़ी आई है, थोड़ा सा रेस्ट लेंगे। युवराज इधर आ, युवराज गुड़िया पानी लेके आ जा, पानी पानी का बोतल लेके आ जा, पानी का बोतल। 1/4 cos 3 थीटा, चलिए सर अगला क्वेश्चन देखते हैं। तब तक ये हो गया, सारे क्वेश्चन हो गए सर, नहीं नहीं कुछ बाकी है अभी, नहीं कुछ बाकी है अभी। ये है सर, चलो भागो सर, पीछे वाले क्वेश्चन में n इक्वल टू 9 तक जाना था हम लोगों को, क्या सर पिछले वाले में n इक्वल टू 9 तक जाना जाना पड़ेगा 6 पाई आने के लिए, n इक्वल टू 9 तक, हमने 12 तक कर दिया क्या सर? नहीं नहीं आपने सर सिर्फ 6 तक, 6 टर्म तक ले गया, 9 टर्म तक जाना पड़ेगा, मतलब 12 14 16 18 तक, 12 14 16 18 तक। चलिए सर हाँ n इक्वल टू 18 तक, x इक्वल टू सर 2n पाई बाई 3 आया हमारा, है ना सर? ये सर हाँ, वो आपको 9 तक जाना पड़ेगा ना, n इक्वल टू 9 तक आपने लिखा भी है सर, x इक्वल टू 2n पाई बाई 3, तो हमें यहाँ पर 2n पाई, हाँ सर यहाँ पे हमें n की वैल्यू 9 लेनी पड़ेगी, है ना सर? हाँ सर एग्जैक्टली सर, हमें 9 पद लेने पड़ेंगे, यस लिखा सही है मगर एप्लीकेशन गलत लगा दिया इसका, थैंक यू सर। तो हमें यहाँ पर 9 पद लेने पड़ेंगे कुल मिला करके, तो 2 + 6 + this, तो हमें टोटल यहाँ पे 9 पद लेने पड़ेंगे, 12 पाई के लिए हमें कुछ और आगे बढ़ाना पड़ेगा, तो यहाँ पे n बाई 2 जो है ये मैं इसको सर इरेज कर रहा हूँ, यहाँ सॉल्व कर देता हूँ मैं सर, पाई बाई 3 2 + 4 + up to अरे सर 90 आएगा उसको लिख लीजिए ना, अप टू सर इसमें 9 पद मतलब कि 18, ठीक है सर, 2 9 = 18, तो पाई बाई 3 n इंटू, तो 9 n 90 आएगा सर, 9/2 a + l, 18 और 2 भैया हो गया 20, ठीक है यहाँ से काट दिया इसको, कितना हो गया 10, तो 90 पाई बाई 3 पाई इंटू 90/3 और ये 30 हो गया, 30 पाई ऑप्शन में है क्या? जी जी फर्स्ट ऑप्शन है भाई सर, ओके 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 यस, तो आंसर है 30 पाई। देखिए सर सिली मिस्टेक हो रही थी हम लोगों से, और मैंने यहाँ लिखा भी है 9 पद, देखो मैंने यहाँ लिखा भी है कि 9 पद, मगर मैंने वहाँ पे 6 पाई करने के लिए पता नहीं क्या कर दिया, लिखा मैंने यहाँ पे 9 पद है ना, तो अपन सही कर रहे थे। चलिए सर ठीक है, आई होप सर आप लोग को समझ में आ गया होगा, ये कोई दिक्कत तो नहीं है सर? नहीं नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है सर,
ठीक है सर, ये फाइल एक बार स्टार्ट करते हैं इसको एक बार फिर से। अब अगला क्वेश्चन आपको मैं तब तक दिखा देता हूँ, ये फाइल साइड में बैकग्राउंड में चलती रहेगी, अपने क्वेश्चन का स्क्रीन शॉट ले लें। बेहद सरल क्वेश्चन है, यदि बल क्षैतिज दिशा से 30 डिग्री कोण पर कार्य करता है और क्षैतिज दिशा में उसका वियोजित भाग 10√3 किलोग्राम है, तो भैया वह बल कितना होगा। देखिए साफ साफ आपको दिखा क्षैतिज दिशा में उसका वियोजित भाग, मतलब आपको एफ कॉस थीटा दिया गया है, ओके, और एफ कॉस थीटा दिया गया है तो आपसे पूछ रहा है कि एफ कितना होगा। तो बहुत ही सिंपल सवाल है, चलिए इसको मैं रैंडम स्क्रीन पे ही सॉल्व कर देता हूँ। देखिए आपको दिया गया है बल का क्षैतिज भाग यानी एफ कॉस 30 डिग्री, और बल के क्षैतिज भाग की वैल्यू आपको कितनी दी गई है, 10√3 किलोग्राम, है ना। बल के क्षैतिज भाग की वैल्यू आपको दी गई है 10√3, तो एफ कॉस 30 इक्वल टू 10√3, तो एफ की वैल्यू चाहिए, कॉस 30 कितना होता है √3/2 इक्वल टू 10√3, √3 से √3 कैंसिल, आंसर एफ की वैल्यू 10 × 20 आ गई। भाई फोटो ले लो, बहुत ही सिंपल सवाल है, कुछ करने को है ही नहीं इसमें। तो आंसर जो इसका भार होगा बल का वो कितना होगा, 20 किलोग्राम भार, इसका करेक्ट ऑप्शन है ए। बोलिए सर समझ में आया? जी, चलिए जी अगले सवाल की ओर चलते हैं। इसमें कौन सा सवाल भेजा सर आपने, 117 की 118? 117 तो हो जाएगा सर, 118 में a प्लस बी माइनस एक्स लगाना पड़ेगा। हाँ सर, इसमें a प्लस बी माइनस एक्स की आइडेंटिटी लगेगी, है ना। अच्छा, मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस एक्स का मल्टीप्लाई करके तब लगाएं कि डायरेक्ट लगाएं? सर आप कॉस एक्स का सीधे मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर दो, कुछ करना ही नहीं है आपको, 1 माइनस कॉस एक्स का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। आइडेंटिटी लगाने का फ़ायदा कितना मिल रहा है आप पहले ये देख लो। तो i इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस एक्स यदि कर दोगे तो पाई माइनस एक्स। हाँ सर, आइडेंटिटी पहले लगा दो, आइडेंटिटी पहले लगाने का आई थिंक फ़ायदा आपको ज़्यादा मिल रहा है यहाँ पे। चलिए तो मैं सॉल्व कर देता हूँ इस क्वेश्चन को। चलिए सर, ये क्वेश्चन है अपने पास में कि 0 से लेके 3π/4। अब देखिए पाई बाई 4 प्लस 3π/4 पाई होता है, हाँ जी। तो आइडेंटिटी लगाने का यहाँ पे ज़बरदस्त फ़ायदा आपको मिलेगा। तो सबसे पहले समीकरण लिख लीजिए आप लोग इसको i की फॉर्म में। तो i की फॉर्म में आपका इक्वेशन क्या बन जाएगा, i की फॉर्म में आपका इक्वेशन है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन पाई बाई 4 से लेकर के 3π/4 1/1 प्लस कॉस एक्स का dx। अब इसको यदि आप नंबर 1 दे दो, इसको यदि आप आइडेंटिटी लगा देते हो तो देखो पाई बाई 4 यानी 45 और 3π/4 यानी कितना हो गया आपका 135, और 135 प्लस 45 होता है 180, मतलब कॉस पाई हो जाएगा। तो आइडेंटिटी लगाने के बाद क्या हो जाता है, ये हो जाता है आपके पास पाई बाई 4 से लेके 3π/4 1 प्लस कॉस क्या हो जाएगा पाई माइनस एक्स, और कॉस पाई माइनस एक्स कितना होता है माइनस कॉस एक्स, ठीक है ना। इसको दो मत दो अभी। तो i इज इक्वल टू पाई बाई 4 से लेके 3π/4 1/ कॉस ए प्लस बी माइनस एक्स यानी 1 माइनस कॉस एक्स। ये हो गया आपका रिलेशन नंबर 2, ये आपका रिलेशन नंबर 2। अब आप क्या करिए, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दो। तो फर्स्ट और सेकंड को आपने ऐड कर दिया तो कितना हो गया 2i, ओके। फर्स्ट और सेकंड को आपने ऐड कर दिया तो ये बन गया 2i, और यदि आप इसका दोनों को ऐड करोगे
तो इधर बनेगा पाई बाई फोर से लेके 3π/4, यहाँ पे 1/1 cos x और प्लस 1/1 cos x, सॉरी 2 cosec² x आएगा, 2 cosec² x जोड़ने पर। ठीक है, सॉल्व करते हैं, ये dx हो गया। देखिए सर LCM ले लीजिए, तो इधर पे चल रहा अपने पास पे 2i इक्वल टू पाई बाई फोर से लेके 3π/4, तो सही है। इधर पे ऊपर आ जाएगा 1 cos x और इधर आ जाएगा 1 cos x और इधर आ जाएगा 1 cos x, 1 cos x मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 cos² x दैट इज इक्वल टू sin² x। cos x से माइनस cos x कैंसिल हो गया, 2i इज इक्वल टू, देखिए सर तो यहाँ का 2 बाहर हो गया और अंडर में कितना आएगा 1 + 1 2 2 बाहर हो गया, 1/sin² x इक्वल टू कितना हो गया cosec² x। cosec² x हो गया और लिमिट कितनी है पाई बाई फोर से लेके 3π/4, 2 से 2 कैंसिल हो गया। cosec² x का इंटीग्रेशन आई होप आप सब लोग को पता होगा, बोलो कितना होता है माइनस cot x, तो माइनस बाहर रखिए और cot x आ गया और लिमिट कितनी हो गई पाई बाई फोर से लेके 3π/4, तो i इज इक्वल टू माइनस बाहर है cot 3π/4, कौन सा क्वाड्रेंट है भाई साहब cot 3π/4 बताइए, सेकेंड क्वाड्रेंट है ना, सेकेंड क्वाड्रेंट है, 3π/4 सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट में cot नेगेटिव होता है, वैल्यू कितनी होती है -1 है ना, -√3। हाँ -√3, अरे नहीं सर 3π/4 है सर, है ना 3π/4 है, π/4 90 + 3π/4 सर, है ना -1 आई और cot π/4 कितनी हो गई -1, तो -1 -1 हो गई -2 और एक और माइनस, तो भैया इंटीग्रेशन की वैल्यू 2 आ रही है हमारे पास, चेक करते हैं ऑप्शन में है 2 की नहीं है, बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर इसका होगा डी। ठीक है सर, जी सर, जी सर। चलिए एक सर और बता दीजिए लास्ट वाला, कौन सा ये 121 बता दीजिए सर, 2 किलोग्राम के द्रव्यमान का एक पत्थर विरामावस्था से ऊर्ध्वाधर नीचे गिरता है, गिरने के 5वें सेकंड में गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा, 118 हो गया, 119 121, गिरने के 19 तो ओके, गिरवे के 5वें सेकंड में गुरुत्वाकर्षण दल द्वारा किया गया कार्य, क्या बात है जी। चलिए सर निकाल देते हैं, गिरने के 5वें सेकंड में गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, चलिए देखिए सर यहाँ पे ये अपने पास सवाल है, 2 किलोग्राम की एक बॉडी है, ये 2 किलोग्राम की एक बॉडी है, टक 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 ये नीचे गिर रही है, ये मुझे नहीं बताया गया है कि ये कितने सेकंड तक नीचे गिर रही है, मगर मुझे बताया गया है कि 2 किलोग्राम की एक बॉडी है ये 5वें सेकंड में, तो सर 5वां सेकंड कब शुरू होगा, 5वां सेकंड तब शुरू होगा जब चौथा ख़त्म हो जाएगा ना सर, तो मतलब t=4 से t=5, बोलो सर यहाँ होता 5वां सेकंड, होता कि नहीं होता, बोलो सर, जी 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 यही होता 5वां, जैसे 5वां ओवर, चौथा ओवर खत्म और 5वां ओवर खत्म, चौथे और पांचवे ओवर के बीच का जो ओवर होता है वो 5वां ओवर होता है मैच में, तो ऐसे ही यहाँ पर चौथे और पांचवे ओवर के बीच में चली गई डिस्टेंस होगी 5वें ओवर के डिस्टेंस, तो मैंने आपको पढ़ाया डिस्टेंस एस एंथ बराबर यू प्लस ए बाई टू ब्रैकेट में टू माइनस माइनस वन, हाँ यहाँ सर वही टू टी माइनस, तो यहाँ पर अगर 5वें सेकंड में मैं बोलूँ एस फिफ्थ इक्वल टू यू कितना है 0, ए कितना लग रहा है जी जी यानी 9.8, इसके दशमलव से समझ में आ रहा मुझे 9.8 पक्का आएगा, यहाँ पे 2 × 5वां सेकंड यानी 2 × 5, 5 − 1 10 − 1 बोलो कितना हो गया 9, हो गया कि नहीं हुआ सर, जी जी तो एस फिफ्थ इक्वल टू 9.8 का आधा 4.9 मल्टीप्लाई बाई 9, बोलो सर इतनी डिस्टेंस आ गई कि नहीं आई, बोलिए ठीक है ना सर, जी 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 हाँ। अब देखिए यहाँ पर जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान पर लगने वाला बल गुरुत्वाकर्षण बल कितना होता है mg, तो भैया कार्य बराबर होता है बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, तो बल कितना लग रहा है mg और विस्थापन कितना लग रहा है अपने पास भैया, विस्थापन आ चुका है 4.9 × 9,
तो m की वैल्यू लिख दीजिए, m कितना ग्राम है, 2 किलोग्राम, तो यहाँ रख दीजिए 2। g की वैल्यू 4.9 और ये 4.9 इंटू कितना, 9। चलिए सर कैलकुलेटर उठाइए, 4.9 इंटू 4.9 इंटू 2 इंटू 9 करिए जरा सा, 2 इंटू 9 हो गया 18 और ये हो गया सर 4.9 इंटू 4.9, ठीक है सर। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ सर मालूम, चलिए सर करिए कैलकुलेटर में, फिर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बता देता हूँ। 4.9 इंटू 4.9 बता, 4.9 इंटू 4.9 इंटू 18 जी बताओ सर, 4.9 इंटू 18 हाँ सर है 432.18 432.18 जी सर। एम जी, एम का मान 2 किलोग्राम है, 2 का मल्टीप्लाई नहीं किया ना, कर दूं गिरने के 5वें सेकंड में, करिए सर 2 का मल्टीप्लाई तो मैंने कर दिया ना, 2 × 9 = 18 आया ना। अच्छा हाँ, 2 का तुमने नहीं दिया, 432.18 आ रहा, 432.18 सर एक मिनट, एक बार चेक कर ले सर, u प्लस a बाई 2 2n-1 नीचे की तरफ जाएगा, तो नीचे की तरफ जाने पर गुरुत्वाकर्षण g बाई 2 2n-1 2 × 5 पाँचवें सेकंड में बोला है सर। देखिए अगर पाँचवें सेकंड तक बोला होगा कि होता कार्य तो वो एक अलग आता, मगर पाँचवें सेकंड में बोला है मतलब उसमें कुल कितना कार्य हुआ है, तो मैंने वहाँ का विस्थापन निकाला है 9.8 इंटू 9/2, तो 9.8 का आधा हो गया 4.9, 2 × 5 = 10 - 1 4.9 इंटू 9 और m की वैल्यू 2 और g की वैल्यू, हाँ सर यहाँ गलती हो गई है, g की वैल्यू कितनी होगी सर, 9.8 होगी ना जी, ये मिस्टेक हुई है सर। अब करिए जरा फिर से बोलिए सर, 2 × 9.8 × 4.9 × 9 864.36 बिल्कुल सही सर, आपका जो यहाँ पे आपने मारा है वो बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर है 864.36 जूल, इतना ही कार्य किया जाएगा सर। थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन होता है, जो से पांचवें सेकंड देता है तो जो s बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर लगता है वो कब लगता है, वो और ये जो nवें सेकंड का होता है ये पांचवें सेकंड में चली गई दूरी है सर। इसने देखो सर गिरने के पांचवें सेकंड में बोला है, अगर बोला होता पांचवें सेकंड तक मतलब यहाँ तक पूरा काम निकालना होता, मगर अभी केवल इसको यहाँ तक का काम निकालना, अभी यानी जैसे पांचवें सेकंड यानी चौथा कंप्लीट हुआ तो वहां तक निकालना, जैसे ये निकालना चौथा कंप्लीट हुआ वहां तक निकालना, और उसमें पांचवा कंप्लीट हो जाए नहीं, मतलब छठवां से स्टार्टिंग हो जाएगी उसकी। नहीं सर नहीं समझे, देखिए सर गति के पांचवें सेकंड तक, अगर तक बोला होता मतलब जब से यात्रा करी वहां से पांचवा सेकंड जब तक खत्म नहीं हुआ, समझ गए, मतलब छठवां स्टार्ट हो जाता है उसके, अगले में क्या स्टार्ट होता है, छठवां स्टार्ट हो जाता है, समझे, तक, हाँ। तक के लिए तब आप लगाते, तो s बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर लगाते, ठीक है जी जी जी। मगर ये क्या बोला है पांचवें सेकंड में, मतलब चौथा खत्म, तो यहाँ t बराबर 4 खत्म, और t बराबर 4 के बाद पूरा क्या शुरू हो जाएगा, t बराबर 5, और यहाँ पर फिर नया शुरू होगा t बराबर 6, तो इसके बीच का चाहिए, ठीक है सर जी जी जी। चलिए सर तो आज के लिए इतना ही सर, ठीक है सर, बहुत बहुत थैंक यू सर के लिए, है ना। और सर लगातार क्लास में लोग कम हो रहे हैं, तो ऐसी अवस्था में क्लासेस हो पाना मुश्किल है जैसे, है ना, तो अब कल देखते हैं कि अगर ऐसे ही माहौल रहेगा तो क्लासेस कहाँ संभव है।